तारुफ कीजिएगा। हाफिज़ अब्दुल रहमान पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ, इंटरनेशनल कोच हूँ, लेवल 3 क्वालिफाइड फ्रॉम USA। और रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल कोचिंग की 1 साल की डिग्री कंप्लीट की है IOC से। ये बताइएगा, आर्ची एक बहुत महंगा गेम है, लेकिन वापडा और आर्मी के अलावा बहुत कम जो प्लेयर्स हैं वो आगे आते हैं, वजह क्या है? जी सर, जैसा आपने बोला कि आर्ची बहुत महंगा गेम है, तो डिपार्टमेंट तो अफोर्ड कर लेते हैं इस इक्विपमेंट को अपने प्लेयर्स के लिए, लेकिन सुबह में ये चीज़ काफ़ी कमी पाई जा रही है। सुबह भी इस रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि आर्चरी हमारी एक सुन्नत भी है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दें तो हमारी आर्चरी बहुत बेहतर हो सकती है। सुबह में सुबह का स्टैंडर्ड नीचे चल रहा है एज़ कम्पेयर टू डिपार्टमेंट, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुबह के जो डायरेक्टर्स हैं, जो इनके अहदेदारान हैं, कि आप प्लीज़ अपने आर्चर्स के लिए कुछ करें। अब्दुलरहमान, अगर एक लिहाज से देखा जाए तो डिपार्टमेंट ने वो अदायगी करते हैं, जबकि जो सूबे हैं वो शौक की खातिर आते हैं, तो क्या ऐसे इकदाम कीजिए कि आर्ची की तरफ जो है लोग आ जाएं? सिर्फ क्रिकेट नहीं है, सिर्फ दूसरे एथलेटिक्स के बाद आर्ची जो है वाहिद गेम है स्विमिंग के साथ जिसमें हम ज़्यादा जो है मेडल ले सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है ये, अभी तो जो हमारी रिकर्व 1 कैटेगरी है, इसके 5 गोल्ड मेडल, अगर कंपाउंड आ जाएगी तो उसके टोटल 10 गोल्ड मेडल हो जाएंगे। फिर बेयर वो है और भी 2-3 स्टाइल्स हैं। सर, टैलेंट हंट प्रोग्राम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। टैलेंट हंट में क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन सुबह अपने बेस्ट प्लेयर्स को सेलेक्ट करें, उनको फिर डेली अलाउंस दे, उनको रिहाइश दे, खाना दे, उनकी तालीम फ्री करें। इस तरीक़ाकार से प्लेयर्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अब अभी आप देखें कि हर बच्चे का ध्यान तालीम की तरफ है, एजुकेशन की तरफ है। एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी है तो वो आर्चरी को कैसे अफोर्ड करेगा? जब उसको फ्री इक्विपमेंट मिलेगा, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे आर्चर्स मिलेंगे। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आपने पाकिस्तान में भी काम किया, आपने डिग्री जो है अपने अमेरिका से ली, जो आपकी जो क्या क्या फ़र्क देखा आपने और क्या होना चाहिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग प्लान्स हैं, उन्होंने पहले कोच तैयार किए, कोचिज़ ने फिर आगे एथलीट को तैयार किया। पाकिस्तान में क्वालिफाइड कोचिज़ की बहुत कमी पाई जा रही है, तो जब तक हम सर्टिफाइड क्वालिफाइड और टेक्निकल कोचिज़ नहीं तैयार करेंगे, तो तब तक हम अपने रिजल्ट्स नहीं ले सकते। मैं बलूचिस्तान आर्चरी एसोसिएशन, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया 34th नेशनल गेम्स में। तो इंशाल्लाह यहाँ से भी हमें एक नया टैलेंट मिलेगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे, और इंशाल्लाह वो आने वाली ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा।